आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की एक बड़ी डिमांड होती जा रही है, इसको लेकर अलग अलग छात्र इसके बारे में पढ़ना और जानना चाह रहे हैं। जो भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं उनको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय एक कोर्स लेकर के आया है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो डीन हैं प्रोफेसर ए के सिंह साहब, वो हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आप लोग अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या कुछ नया कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं, क्या नई शुरुआत हो रही है सर? नहीं, ये नई शुरुआत इस सेंस में है कि ये हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चल रहा है, तो अब हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही एक अलग सब्जेक्ट चला रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब इम्पॉर्टेंस या एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आज सब कुछ कवर हो रहा है उसमें। सो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं सो इट सिंपली मीन्स कि अ मशीन विल टॉक और मशीन विल रीजन फॉर एनीथिंग। यही है, बच्चों को इससे बहुत आगे जाके फायदा। पहली बार कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ये नए सब्जेक्ट की इजाद होने जा रहा है। यहाँ ये नए सब्जेक्ट के रूप में हमारे यहाँ 75 सीट्स इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, तो ये किस सेमेस्टर में ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा? फर्स्ट सेमेस्टर से ही होता है। अच्छा। बट नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट टू सेमेस्टर्स का कॉमन होता है सारे ब्रांचेस के लिए, ये सिलेबस कॉमन होते हैं। बट जब बच्चा थर्ड सेमेस्टर में जाता है तो उनका जो डिसिप्लिन है जिस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहा था कंटेंट। मतलब थर्ड सेमेस्टर से इसमें स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिकली बढ़ेगा? जी हाँ, जी हाँ। और इसमें कुल सीट्स कितनी हैं, कितने लोग एडमिशन मिल सकता है? इस साल 75 सीट्स हैं इसमें। अच्छा। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कहाँ से, कौन से एडमिशन की प्रक्रिया, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट दे करके बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं? इंजीनियरिंग फैकल्टी में नॉर्मली जो हमारे यहाँ एडमिशन होता है वो AKTU के प्लेटफॉर्म से होता है। अच्छा। यूपी टैक के प्लेटफॉर्म से। अभी काउंसलिंग वहाँ पे शुरू हुई रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो उसके थ्रू ही वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाना होगा, काउंसलिंग वहाँ करवानी होगी। वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का जो है प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल मिलेगा काउंसलिंग के समय, वहाँ आपको ऑप्ट करना होगा। अच्छा, इसमें आपके यहाँ इंजीनियरिंग में सर जो ट्रेड है, आपने कहा जैसे कंप्यूटर साइंस की बात की, और कौन कौन से ट्रेड लखनऊ विश्वविद्यालय? हमारे यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे हमने पहले ही बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो जैसे आपने ये कहा कि फर्स्ट दो सेमेस्टर जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो क्या उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है या? जी हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम NEP अभी पिछले साल से पिछले सेशन से हमारे यहाँ NEP इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो NEP में क्या हुआ है कि फर्स्ट ईयर में चूँकि हमें एक साल बाद सर्टिफिकेट उनको देना बच्चे को जो ड्रॉप करता है ऑप्ट करता है कि हम आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एक उनको सर्टिफिकेट देने का हमने कहा है। तो वो सर्टिफिकेट भी कुछ इस तरह से रहेगा कि उनका फर्स्ट टू सेमेस्टर्स में भी कंटेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, बट ऑबियस है कि वो थोड़ा सा वो बहुत कम एक या कहिए कि 20% तक ही कवर करेगा, 15-20% तक ही कवर करेगा। अच्छा, मतलब बाकी डिपार्टमेंट में 15-20%। हाँ, बाकी नहीं, बाकी उसके बाद नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में स्पेशल थिंग जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है वो पढ़ाई जाएगी, फर्स्ट टू सेमेस्टर में नॉर्मली कॉमन ही होता है। बिल्कुल, तो देखिए जो भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई पढ़ाई करना चाहते हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर वो CS डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे एक नए कोर्स के तौर पर वो इन्वॉल्व किया गया है, और जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक AKTU का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्लियर करने के बाद फिर वो लखनऊ विश्वविद्यालय अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर CS डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।